नमस्कार किसान साथियों, आज डालर चने की जो है काबुले चने भी बोलते हैं, ए टू जेड जानकारी देंगे, उन्नत किस्म के बारे में भी जानकारी देंगे। तो किसान साथियों, खेत की तैयारी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको गहरी जुताई, जो भी मिट्टी पलटने वाले हल रहते हैं, जैसे प्लव है और मिनी प्लव भी आ गए किसान साथियों, उनसे भी आप मिट्टी पलट कर आसानी से खेत को अच्छे तरीके से गहरी जुताई करके, और ताकि इसमें किसान साथियों जो धूप है वो अच्छी सेक ले, ताकि इसमें जो किसान चने बोएंगे उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना आए। तो किसान साथियों प्लव चलाकर मिट्टी को आसानी से मतलब कि पलट दे, और इसके बाद किसान साथियों अच्छी तरीके से गहरी जुताई करने के बाद आपको इसको करीबन 10 से 15 दिन सूखने दे, जब तक पूरी तरीके से सूख नहीं जाए। फिर इसको किसान साथियों आपको रोटर बटर चला के इसको बारीक कर बनाना है, बारीक बिल्कुल मिट्टी को बारीक मिट्टी ये समझ लिए, छोटे छोटे कण में परिवर्तन हो जाए रोटर बेटर चला के। उसके बाद किसान साथियों आपको पलेवा कर देना है। तो पलेवा किसान साथियों जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आपकी जो बतर है खेत में वो टाइम से आ पाए। तो किसान साथियों आप जैसे ही पलेवा करेंगे तो पानी जैसे ही खेत में आप देंगे तो दे के निकल जाना चाहिए, ज़्यादा दिन तक भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, उससे क्या फफूंद की समस्या आती है। अब किसान साथियों जैसे ही बतर आ गई आपकी, बतर आने के बाद जो भी अवशेष उगते हैं जैसे कि ये देखिए, और किसान साथियों इसमें बतर आने के बाद सुपर डाल के, और सुपर डालने से किसान साथियों इसमें फास्फोरस की मात्रा भी बढ़ जाएगी, सिंगल सुपर फास्फेट डाल दे आप। उसके बाद किसान साथियों खेत को बखरना है, ताकि जो भी अवशेष उग रहे हैं पुरानी फसल के वो अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाए, और जो चने लगा रहे हैं उसमें किसान साथियों किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए खरपतवार की। इसलिए इसको कल्टीवेटर चलाकर पूरा एक बार और समतल कर ले, जो कि पलेवा करने के बाद की विधि है। इससे पहले आपको कल्टीवेटर चलाने से पहले सिंगल सुपर फास्फेट भी डालना है, ताकि ये कल्टीवेटर चलाने के बाद अच्छे तरीके से मिल जाए। फिर किसान साथियों इसको एक दिन तक आपको सूखने देना है, मतलब ये समझ लीजिए जो भी अवशेष उग रहे थे सोयाबीन के, जो भी मतलब फसल पिछली लगी तो जो भी उग रही थी, जो कचरा उग रहा था खरपतवार, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए एक दिन में। तो किसान साथियों चने बोने के बाद खरपतवार की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और किसान साथियों पोषक तत्व देना बहुत ही अति आवश्यक है, खास करके फास्फोरस की और सल्फर की। दलहनी फसलों में, चने की फसलों में अधिकतर ज़रूरत रहती है इन चीज़ों की। उसके बाद पोटास है, जिंक है, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत भी रहती है, मगर इनकी कम मात्रा में ज़रूरत रहती है। तो किसान साथियों आप जो भी बेसल डोज दे रहे हैं, और किसान साथियों बोते समय आपको DAP मिलाकर, या फिर ग्रोमर या ग्रो प्लस जो आ रही है कोरोमंडल की, वो भी आप मिलाकर बो सकते हैं, उससे भी काफ़ी किसानों को अच्छा रिजल्ट मिला है। उसके बाद किसान साथियों खेत को पूरी तरीके से समतल कर ले, ताकि सीडिल चलने में भी दिक्कत ना हो। जो पानी देने में किसान साथियों नाली बन गई है, वो सारी समस्या भी इसमें एक बार बखरने के बाद ख़त्म हो जाएगी, और जो भी खरपतवार उग रहे हैं तो ये भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। और किसान साथियों इसमें बतर जल्दी आ जाएगी, जिन किसान साथियों के खेत में बतर नहीं आई है तो वे एक बार कल्टीवेटर चला देंगे तो बतर भी टाइम से हो जाएगी, ताकि आपकी बोनी है वो भी आपकी जल्दी हो सके। क्योंकि किसान साथियों ज़्यादा लेट बोनी में उत्पादन कम आता है, और जो मीडियम रहती है उसमें उत्पादन बढ़िया रहता है। ज़्यादा जल्दी भी बो देते हैं तो उसमें भी उत्पादन आपका कम देखा गया है। तो किसान साथियों ये जो अवशेष उग रहा है ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। जैसे फफूंद कब पनपती है, जब किसान साथियों नमी ज़्यादा जमीन जमीन पर नमी ज़्यादा बनी रहती है, जब जो कवक रहती है फफूंद रहती है, अपन फंगिसाइड डालते हैं वो इसी कवक को मारने के लिए डालते हैं। तो किसान साथियों ज़्यादा करके प्रॉपर बता रहा है उसके बाद ही बोना है, नहीं तो किसान साथियों जो भी चने हैं वो उमलने लगेंगे। अब किसान साथियों सीडल की बात करते हैं, तो लाइन से लाइन की दूरी की बात करते हैं, तो इसमें 12 से 14 सेंटीमीटर तक आप लगा सकते हो, हमने 12 इंच पे लगाए हैं। उसके बाद किसान साथियों हम जो एक एकड़ में एक क्विंटल चना काफ़ी किसान हमारे इलाके में डालते हैं एक एकड़ में, मगर हम किसान साथियों इसमें 80 से 85 किलो डालते हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा देखा गया है। ज़्यादा करके किसान साथियों 85 किलो हमको सही रहा है। और ये देखिए किसान साथियों बीज की गहराई है, बीज की गहराई करीबन समझ लो 8 से 10 इंच अंदर जाना चाहिए। और यदि किसान साथियों की ज़मीन अच्छी है जिसमें फफूंद की समस्या कम है, तो वो यह समझ लीजिए कि 5 से 6 इंच 7 इंच तक आप नीचे गहरा कर सकते हो। और किसान साथियों इसकी ज़्यादा ऊपर भी फेंकेंगे तो दिक्कत फफूंद की ज़्यादा आती है ऊपर, इसलिए इसको मीडियम साइज़ में ही फेंकना है, मतलब कि गहराई की बात करें बीज की। तो इसके बाद किसान साथियों बीज से बीज की दूरी की बात करें तो 6-7 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा पास पास भी बीज ना हो, ताकि क्या है किसान साथियों उसमें दिक्कत आती है, ज़्यादा पास पास बीज होता है तो बीज ग्रोथ नहीं कर पाता है, जो पौधा बनता है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है।
बाकी किसान साथ ही कतार से कतार की दूरी करना है तो आप 12 इंच से लेकर 14 इंच तक लगा सकते हैं। और जो किसान साथी बेड पर लगाते हैं या पाल बनाकर लगाते हैं उनका उत्पादन भी अधिक देखा गया है। अभी तक हमारे किसान यहाँ पर हरदा ज़िले में किसान साथियों ने किसी ने ट्राई नहीं करा है बेड पर। काफ़ी किसान ने करा है पर वो ड्रिप से करते हैं किसान साथियों, उसमें उत्पादन अच्छा देखा गया क्योंकि उसमें समय समय पर ये जो पोषक तत्व है वो चलाए जाते हैं, पानी भी उसमें 3 बार लगाया जाता है तो उसमें डालर चने का रिजल्ट ज़्यादा देखा गया। मगर हमारे इधर किसान साथियों हरदा ज़िले में डायरेक्ट सोइंग होती है, 90% हमारे इधर डायरेक्ट सोइंग होती है, इसलिए किसान साथी उत्पादन थोड़ा कम रहता है। और किसान साथियों आप पानी भी देते हैं, सिंचाई भी करते हैं तो उसमें बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पर किसान साथियों जल भराव के मतलब कि समस्या रहती है वहाँ पर चने आपके ख़राब हो जाते हैं। और यदि आपने सिंचाई करी और मौसम गड़बड़ होगा तो उसमें भी किसान साथियों चने ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मौसम को देखकर ही सिंचाई करें। सिंचाई की बात करते हैं किसान साथियों तो सिंचाई आपको स्प्रिंकलर के द्वारा ही करना है। स्प्रिंकलर चलाने से काफ़ी सारे फायदे हैं किसान साथियों, जिसमें खरपतवार भी कम होती है और चने को जितने पानी की आवश्यकता रहती है उतना ही पानी मिलता है। और किसान साथियों उनका जो बड़ाव फुटाव है वो भी स्प्रिंकलर के पानी द्वारा अच्छा देखा गया है। और एक चीज़ और बता दें किसान साथियों, आप पानी का विशेष करके ध्यान रखें।